हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, ये वीडियो है हमारी डेमो सीरीज का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से सिविल इंजीनियर्स को वीडियोस प्रोवाइड करती है, जो आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में जब चाहें तब, जितनी बार चाहें तब और जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। इट इज़ अ यूनिक थिंग जो हम लोगों ने शुरू की है फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट है फॉर SFD। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब आपको SFD BMD पूरी तरीके से आ चुका है। इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं, रिएक्शन फाइंड करना, SFD बनाना और BMD बनाना। तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और देखिए कि क्या आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से बनाया है, जिस तरीके से अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा SFD BMD बनाना। अगर आपने सही बनाया है, अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर आपने कुछ गलत किया है या आपके कुछ फंडामेंटल कमज़ोर हैं, डू जॉइन रेकॉन सिविल एकेडमी एंड एनहेंस योर नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टू प्रिपेयर बेस्ट फॉर द गेट एंड IES। घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप चाहिए, PC चाहिए, जो आपके पास हो, वीडियोस हैं, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है विथ ए लिटिल कॉम्प्लेक्स लोडिंग। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसलिए है कि आपके इसमें सारे फंडामेंटल कवर हो जाएंगे। पहली चीज़ ध्यान दीजिए यूनिट पे, ये यूनिट किलो न्यूटन है, ये यूनिट किलो न्यूटन है, जबकि यूनिट होनी क्या चाहिए थी दोस्तों, किलो न्यूटन मीटर। तो अगर आप इसको किलो न्यूटन मीटर बनाना चाहते हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल स्पान 10 की है। तो आपको ये कितना मिलेगा, 10 किलो न्यूटन मीटर। ये 2 मीटर में फैला हुआ है 10 किलो न्यूटन का लोड, ये ट्राइंगल है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेट W मानते हैं तो ये ऑर्डिनेट से कितना हो गया, हाफ W इंटू 2 इज इक्वल टू टोटल लोड 10, तो यू गेट W इज इक्वल टू 10। लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों, किलो न्यूटन मीटर। ये दो चीज़ें शुरुआत में ही आपको ध्यान देनी चाहिए थी जब आपने क्वेश्चन पहली बार देखा। अब मैं सबसे पहले इसकी रिएक्शन फाइंड आउट करूंगा मेरे अपने तरीके से, जिसमें कि मैं कोई इक्वेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में पहले ये जितना भी UDL है, इसको एक पॉइंट लोड बना दीजिए, तो वो कितना हो गया 100, और ये 15 यहाँ लगा हुआ है। देन यहाँ पे ये टोटल लोड जो है ये कितना है दोस्तों, ये टोटल लोड है हाफ इंटू 3 इंटू 2 3 का, और ये डाउनवर्ड लगा हुआ है। ये कहाँ लगा होगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 2/3 of 2 यानी कि 4/3, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये लोड लगा होगा, और ये लोड कितना है दोस्तों, अपवर्ड है 10 का एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 and 1। ये पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करना। अब आपको अगर रिएक्शन फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं तो एक फ्री बॉडी डायग्राम और बना दीजिए, ये हो गया 85। देन ये वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे 3, और इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ 10। ओके, ये वैल्यू कितनी होगी, अगर आप यहाँ पे एक मूवमेंट निकालें तो ये मूवमेंट कितना ट्रांसफ़र होगा, 3 × 4/3 4 का एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे मूवमेंट आएगा दोस्तों 10 का, 10 × 1। तो अब अगर आप देखें तो आपकी ये वाली रिएक्शन कितनी होगी, 85/2, ये तो सिमेट्रिकल है तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा दोनों में, हालांकि हमें इसके निकालने की ज़रूरत नहीं, हम बाद में समेशन V=0 करके इसको निकाल देंगे, तो हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये हो गया 85/2। ये डाउनवर्ड 3 लगा है दोस्तों, तो ये अपवर्ड 3 लगेगा, अपवर्ड मेरा पॉजिटिव चल रहा है तो +3 हो गया। देन ये अगर आप मोमेंट देखें तो ये टोटल मोमेंट कितना आ रहा है दोस्तों आपका, ये टोटल मोमेंट है 14 का और एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको क्लॉकवाइज बनने के लिए अपवर्ड होगा,
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 14 बाई दिस स्पान विच इज 6। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू एज 47.83। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप टोटल फोर्स देखें, तो डाउनवर्ड टोटल फोर्स कितना है, 85 प्लस 3 माइनस 10, ओके। और ये वाला फोर्स कितना है, माइनस 47.83। तो ये रिएक्शन आपकी निकल जाएगी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30.17। सो दीज आर द टू रिएक्शन एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट। इसमें आप देखिए मैंने कहीं कोई इक्वेशन नहीं लिखी, आई जस्ट यूज अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम का एक सिंपल प्रिंसिपल यूज करके इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग का मैंने रिएक्शन फाइंड आउट कर दी। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज SFD। तो SFD के लिए दोस्तों आपको दो चीजें ध्यान रखनी, क्या है उसको ध्यान रखिए। पहला है कि अगर लोडिंग UDL है तो SFD लीनियर होगा। तो आप देखिए B टू C और C टू D में SFD लीनियर होगा, A से B में SFD सेकेंड डिग्री पैराबोला होगा, और अगर आप देखें D टू F में तब भी आपको क्या मिलेगा, सेकेंड डिग्री पैराबोला। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, अगर आप देखें तो B, C और D इन तीनों पे आपको ऑर्डिनेट्स मिलेंगे क्योंकि आप पे क्या पे पॉइंट लोड लगे हुए, तो आपको B, C और D पे वर्टिकल ऑर्डिनेट मिलेंगे, ओके। B पे आपको क्योंकि रिएक्शन आपकी आई थी 47.83, तो B पे आपको 47.83 का वर्टिकल ऑर्डिनेट मिलेगा, C पे आपको 15 का वर्टिकल ऑर्डिनेट मिलेगा और D पे आपको 30.17 का वर्टिकल ऑर्डिनेट मिलेगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम कुछ की जगह पे वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं जस्ट यहाँ निकालू विथ माई साइन कन्वेंशन इज दिस, दिस इज माई साइन कन्वेंशन फॉर SFD, ओके। यानी कि सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड पॉजिटिव है, सेक्शन के राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव है। ये क्यों लेते हैं, इसके लिए आपको हमारे वीडियो और कोर्स परचेज करने पड़ेंगे टू फाइंड द रीजन कि हमने इस तरह का साइन कन्वेंशन क्यों लिया है। चलिए वापस कमिंग टू द पॉइंट। तो अगर आप बी पॉइंट पे जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द रिएक्शन निकालेंगे तो आपको इस जगह पर बी पे कितना मिलेगा, दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट इज द वैल्यू, माइनस 20 इसकी वजह से, और इसकी वजह से आपको मिलेगा माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 2, यानी कि टोटल माइनस 23। तो ये वैल्यू यहाँ पे माइनस 23 हो गई। इसके बाद आपको एक जंप मिलेगा 47.83 का, यानी कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप वैल्यू 23 से डायरेक्ट पहुँच जाएंगे 24.83 पॉजिटिव में। मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, बट मैं पहले चाहता हूँ कि आपको वैल्यूज से अवगत करा दूँ। तो ये वैल्यू माइनस 23 हुई, और यहाँ पे आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैं इसको बी लेफ्ट लिख देता हूं और इसको बी राइट लिख देता हूं। तो बी राइट में आपको मिलेगा माइनस 23 प्लस 47.83। सो व्हाट इज द वैल्यू यू विल गेट, यू विल गेट प्लस 24.83। नाउ व्हाट इज द वैल्यू एट सी, सी राइट एंड लेफ्ट। सो पहले सी लेफ्ट ले लेते हैं यहां पे। तो देखिए यहां तक हमें कितना मिल चुका है, अगर आप देखें तो प्लस 24.43। इसमें से आप माइनस कर दीजिए ये वैल्यू, यानी कि माइनस 30 कर दीजिए, यू विल गेट दिस एज 5.17 नेगेटिव। देन सी राइट में आपको क्या मिलेगा, माइनस 5.17 प्लस 15, ये यहाँ पे, ओके। तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल गई, 9.83 जंप है, ओके। अब आप आ जाइए यहां पे और यहां पे।
अब हम थोड़ा इंटेलिजेंस शो करेंगे दोस्तों, अब हम क्या करेंगे यहां से ले लेंगे, यानी कि हम सेक्शन का क्या एंड लेंगे, राइट हैंड साइड। तो अगर आप डी का लेफ्ट पार्ट देखें तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला लोड और ये वाला लोड, ये वाला लोड पॉजिटिव होगा, ये वाला लोड नेगेटिव होगा, इस साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिए। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, 10 इंटू 2 20, तो 20 इज पॉजिटिव माइनस 10 नेगेटिव, सो व्हाट वैल्यू यू गेट, यू गेट 10, इज इट ओके। तो आपको डी लेफ्ट मिला, सॉरी डी राइट मिला 10, और डी लेफ्ट कितना मिलेगा दोस्तों, आपको डी लेफ्ट मिलेगा 10 माइनस 30.17, यानी कि ये वैल्यू हो गई आपके पास 20.17 माइनस का। तो ये आपने कुछ क्रिटिकल वैल्यूज निकाल ली, ओके, एट सम मेजर पॉइंट्स, ए पे जीरो होगा और एफ पे भी जीरो होगा, इज इट ओके। अब बस आपको इनको पैराबोलिकली ज्वाइन करना है, यानी कि यहां पे अगर जीरो है और यहां पे आपने वैल्यू -23 निकाली है, तो इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे होगा, वो ही असली खेल है या ट्रिक है या मार्क्स सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है, आपको पैराबोलिकली ज्वाइन करना है, ये आपको पता है। तो अब यहां पे दो पैराबोला बन सकते थे दोस्तों, एक ये और एक ये, कौन सा पैराबोला बनेगा, ये ही इशू है जो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। इसके लिए आपको ये दो इक्वेशन का ध्यान रखना होगा दोस्तों, डेल शियर फोर्स बाय डेल एक्स इज रेट ऑफ लोडिंग, और दूसरा डेल बेंडिंग मोमेंट बाय डेल एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स। ये वाला इक्वेशन यहां काम आएगी शियर फोर्स बनाने में, और ये इक्वेशन काम आएगी बेंडिंग मोमेंट बनाने में। तो यहां पे रेट ऑफ लोडिंग कितनी है दोस्तों, 13, और यहां पे रेट ऑफ लोडिंग कितनी है, 10। क्यों, क्योंकि यहां पे 10 प्लस 3 13 हो गया, यहां पे 10 तो इसकी तो यूडीएल की 10 ही चल रही है, लेकिन इसकी कितनी हो गई, ट्राइंगुलर लोडिंग की 0, तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितनी है, 10, ये आपको पता रखना चाहिए। तो देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज रिड्यूसिंग, तो यहां से आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि शियर फोर्स का स्लोप भी रिड्यूस होना चाहिए। अब आप देखिए शियर फोर्स का स्लोप कहां रिड्यूस हो रहा है, इसमें 1 में या 2 में, तो आप देखेंगे कि 2 में शियर फोर्स का स्लोप रिड्यूस हो रहा है। तो आपको कैसा पैराबोला बनाना है एग्जाम में, इस तरह का, सच में पैराबोला नहीं बनाना है दोस्तों, ये सिर्फ आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है कि दिस इज ए पैराबोला, और इसकी वैल्यू कितनी है, -23। अब जंप हो गया क्योंकि यहां पे ये जंप आ रहा है, ओके, तो हम यहां चले, कितना ऊपर गए, 24.83। इसके बाद हम यहां आए तो हमें -5 मिला, ये लीनियर वेरिएशन है, मैंने -5 कर दिया। देन अगेन ये जंप होके ऊपर चला गया और ये हो गया 9.83। देन अगेन ये लीनियरली वेराई होके यहां आ गया और ये वैल्यू हो गई 20.17। इसके बाद ये फिर जंप हुआ और ये वैल्यू हो गई 10। तो यहां तक आई सपोज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से बेंडिंग मोमेंट, सॉरी शियर फोर्स डायग्राम बना लिया होगा। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितनी है, 10, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितनी है, 0, और यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितनी है, 10, यानी कि जो पैराबोला होगा उसका स्लोप यहां से यहां तक रिड्यूस होगा और फिर अगेन यहां से यहां तक रिड्यूस होगा। तो दोस्तों ये पैराबोला कैसा बनेगा, इस तरह, यहां पे इट विल हैविंग जीरो स्लोप, दिस इज द क्रूशियल, एंड आई एम श्योर 90% स्टूडेंट यहां गलती कर देते हैं, वो मोस्टली इसको क्या करते हैं, वो इस तरह से जोड़ देते हैं,
ओके, दे डोंट सी ये वाली जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है वो यहां से यहां तक बढ़ी है और फिर यहां से यहां तक रिड्यूस हुई है. ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज को ध्यान नहीं देता है. तो देखिए यहां पे डाउनवर्ड यूडीएल का तो कांस्टेंट आ रहा है 10, ओके, लेकिन अपवर्ड की जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ रही है ई पॉइंट तक और फिर लगातार घट रही है डी पॉइंट तक. तो ये गलत हो गया. ये चीज ही है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं. नाउ अब हम बेंडिंग मोमेंट की तैयारी शुरू करते हैं. अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा है दोस्तों, तो ये चीज शो करने का कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, थम्स अप का बटन दिया है, ये जरूर बताएं, हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. नाउ ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये जीरो कहाँ है, क्योंकि हमारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी याद रखिए. ये अगर एक सिमिलर ट्राइंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है और ये टोटल डिस्टेंस जेड है, यानी कि जेड में जो जेड लेंथ है उसमें वैल्यू ए से रिड्यूस होके नेगेटिव में बी पे चली गई, या उल्टा भी हो सकता है. तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों एक्स, जहां पे ये जीरो होगा ए से, उसकी वैल्यू हो जाएगी ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू जेड. और अगर आप यहां से निकाल रहे हैं वाई से, ये वाई डिस्टेंस निकाल रहे हैं बी से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी इंटू जेड ओवर ए प्लस बी. तो ये आप यहां अप्लाई कर दीजिए. यहां पे आपका ए कितना है 24.83 और आपका बी कितना है, इट इज 5, माइनस 5 मत लिखिएगा, इट इज 5. ओके, द वैल्यू ही लेते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं. तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 24.83 डिवाइडेड बाई 24.83 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3. इसी तरह ये वाली वैल्यू जो आपको निकालनी है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9.83 डिवाइडेड बाई 9.83 प्लस 20.17 मल्टीप्लाई बाई 3. तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.01 और ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.48. सो दिस वैल्यू इज 2.48 एंड दिस वैल्यू इज 2.01. दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ SFD जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत कर देता है. तो दोस्तों ये हो गया हमारा SFD. अब हम देखते हैं BMD. तो ये देखिए मैंने यहां बना दिया है, ये हमारा हो गया SFD, दिस पार्ट सी. ये इंपॉर्टेंट है दिस वन. ये यहां पे आपका जो वैल्यू है वो 5 आएगी लेकिन स्लोप जो है वो 0 होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब इसका BMD बहुत ही सिंपल है दोस्तों. क्यों सिंपल है, आइए फिर से हम लोडिंग को देखें एक बार, तो हमें पता चलेगा कि इसका BMD क्यों सिंपल है. तो देखिए BMD में A से B तक थर्ड डिग्री पैराबोला होगा, B से C तक सेकेंड डिग्री पैराबोला होगा, C से D तक सेकेंड डिग्री पैराबोला होगा, D से F तक थर्ड डिग्री पैराबोला होगा. ओके, क्योंकि यहां ट्राइंगुलर लोडिंग है, यहां UDL है और यहां पे अगेन ट्राइंगुलर यानी कि VDL लोडिंग है. तो आपको क्या करना है, A से B तक थर्ड डिग्री पैराबोला बनाना है, B से D तक सेकेंड डिग्री पैराबोला बनाना है और D से F तक आपको फिर से थर्ड डिग्री पैराबोला बनाना है. तो चलिए ये देखिए ये मैंने बना दिया है, दिस इज द पैराबोला, ये थर्ड डिग्री पैराबोला है. आपको सिर्फ लिख देना है दिस इज सेकेंड डिग्री पैराबोला, दिस इज सेकेंड डिग्री पैराबोला एंड दिस इज अगेन थर्ड डिग्री पैराबोला. इसके अलावा और ये वैल्यूज 6.83 एंड 10.34 मिलेगी. इज इट ओके? इसके लिए आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखनी होगी. और अगर आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन चाहिए तो दोस्तों मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा हाउ यू कैन बाय आवर कोर्स एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इन द मोस्ट रीजनेबल प्राइस एंड एट द मोस्ट कंफर्टेबल जोन. आप अपने घर पे आराम से अकेले में बैठ के ध्यानपूर्वक पढ़ के तैयारी कर सकते हैं विथ
हेल्प ऑफ द फैकल्टी ऑन द व्हाट्सएप। सो जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो फिर से बोलूँगा, अपनी इंजीनियरिंग को इंजॉय करिए और सबसे अच्छा रिजल्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।